नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव, आपका अपना शो जिंदगी की हकीकत में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हर रविवार मैं आपके समक्ष एक नई कहानी, एक नए शख्स को लेकर आता हूं, जो उनकी कहानी वो खुद अपनी जुबानी सुनाते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बिहार के रहने वाले प्रताप नारायण जी की है। इन्होंने बिहार में रहते हुए कई सामाजिक कार्य करे और ये हमसे कैसे जुड़े का नाम है गौरव जी। उन्होंने मेरे से संपर्क करा तो उन्होंने जब मेरे को कहानी सुनाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। इनकी कहानी से जो दूसरे यंग हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो मोटिवेट होंगे। तो मैंने इनको रिप्लाई करा कि ये अपने रिकॉर्डिंग कर मेरे पास वीडियो भेजें और मैं इनका जो वीडियो है मैं लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। मैंने इनको कुछ सवाल भी पूछे, उनका इन्होंने बहुत अच्छे से जवाब भी दिया। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, ऐसा कोई शख्स है जिनकी कहानी से लोग मोटिवेट हो सकते हैं, तो आप हमें भेजें, हम उन्हें देखेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि वो कहानी सभी लोगों के बीच में जाए। तो आइए, मैं आपको ले चलता हूं आज की कहानी प्रताप नारायण जी की जुबानी। अनिल जी, आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपने कार्यक्रम जिंदगी की हकीकत में मुझसे जुड़ी कहानियों को उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जो अपने जीवन में कठिनाइयों और मुसीबतों से घबरा जाते हैं, हार मान जाते हैं। यदि मेरी कहानी से किसी में उम्मीद की किरण जगे, ये मेरे लिए सौभाग्य होगा। मेरे अंदर समाज सेवा की भावना बचपन में ही से जगी। मेरे पिताजी गांव के मुखिया थे और बहुत सारे लोग समस्या लेके उनके नजदीक आया करते थे। उन लोगों को जब मैं देखता था तो मुझे भी होता था जो नहीं, इन लोगों की कठिनाई को यहीं समाप्त पिताजी करते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और तब से ही यह भावना मेरे मन में जगी। उसके बाद जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ने के लिए, विद्यालय मेरे घर से दूर था, लगभग 5 किलोमीटर जाते थे, तो रास्ते में ठंडी के समय में देखे जो कुछ महिलाएं अपने बच्चों को लेके और ठिठुर रही थी, मुझे बड़ी दया आई। दूसरे रोज़ों जाके मैं अपने घर से कुछ कपड़ा ले जाके उन लोगों को दिए, प्रसन्नता हुई, वो लोग खुश हुए, मुझे भी प्रसन्नता हुई, वो लोग भी खुश हुए। उसके बाद मैं पढ़ा क्लास में, सिंपैथी इज फार ग्रेटर देन गोल्ड, ये बात मेरे मन में घर कर गया और तब से भावना और प्रबल हो गया। जो मैं दबे कुचले गरीबों, समाज में जो इस तबके के लोग हैं उनका मदद कर। एक कहानी उन दिनों की, जब हमारा पूरा इलाका नक्सलियों के प्रभाव से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया था, गांव में जिंदा जलाया जाता था, दिन में भी बारूदों के डर से लोग बाहर निकलना नहीं चाहते थे, बड़ी चिंता बढ़ी थी। तब जाके हम सोचे जे नहीं, इसको तो समाप्त इलाके से कराया जाए। मैं नक्सलियों से बात किया, मैं सोचा कि लोग क्यों यहाँ तक गए, उन लोगों से भी बात किया, उनकी सच्चाई को जानने की कोशिश की। लेकिन इस बीच में कुछ लोग, समाज के ही लोग, प्रशासन में जाके बतलाए जे जो ये तो पूर्ण रूप से नक्सली बन गए हैं, नक्सली के साथ रहते हैं, उनका मदद करते हैं। इससे पुलिस प्रशासन को मेरे ऊपर संदेह होने लगा। इधर नक्सलियों को भी ऐसा था कि कहीं ये तो पुलिस की मुखबिरी तो नहीं करते हैं, तो कठिनाई तो बहुत थी। मुझे वो समय जो मेरा बीत रहा था, लगता था जैसे मैं दोधारी तलवार पर चल रहा हूं। लेकिन ऊपर वाले की मदद से और अपने आत्मविश्वास से, सत्य की जीत होती ही है। फिर हम पुलिस प्रशासन से बात करके और जितने भी हमारे इधर नक्सली थे उनको गुड फेथ में लिया, उन लोगों को विश्वास दिलाया कि नहीं, आप समाज के मुख्य धारा से जुड़े।
और आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। इसके बाद हम तत्कालीन एसएसपी, एसपी, डीएसपी से बात किए, उन लोगों को भी विश्वास में लिए और उन लोगों के समक्ष, एसएसपी के समक्ष इन माओवादियों को आत्मसमर्पण कराया। उसके बाद जितनी भी उस समय समर्पण करने की सुविधाएं थी वो इन लोगों को दिलवाया। ये लोग भी सब खुश हुए। आज ये लोग अपने को बहुत खुश महसूस कर रहे हैं जो आत्मसमर्पण किए, और वो देख रहे हैं जो नहीं, ये अच्छा दिन अब मेरे लिए आया, इससे मुझे भी बहुत बड़ी खुशी हुई और एक इस काम में सफलता मिली। मैं समाज के उन युवकों को ये कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन आत्मविश्वास, सच्चाई और दृढ़ निश्चय से सामना करके हम सफलता पा सकते हैं। इस समाज सेवा के दरमियान कई सारे पार्टियों के निमंत्रण मेरे नजदीक आए, लेकिन मैं उनमें अपने मकसद को पूरा होते हुए नहीं देख रहा, क्योंकि उन लोगों में थोड़ा भी समाज सेवा की सही भावना नहीं देख रहा है, जिसके चलते मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी में था। इन कार्यों के दौरान तो समस्याएं और कठिनाइयां तो बहुत सारे आए, सामाजिक स्तर पर लोगों की आलोचना सुनना पड़ा, प्रशासनिक स्तर पर भी दबाव पड़ रहा था, कई बार आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। मैंने अपनी आत्मविश्वास एवं दृढ़ निश्चय से इसे सारी कठिनाइयों को दूर किया। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने परिवार के, अपने पिताजी, अपने भाई और अपने परिवार के सभी सदस्यों का, जो इन लोगों ने इस कार्यक्रम के दौरान, इस सेवा के दौरान मेरे हौसला को बढ़ाया। कई बार तो ऐसी परिस्थिति आई जो मेरे समाज के लोग भी मुझे छोड़ दिए, बड़ी कठिनाई आई, लगता था जो मैं विचलित हो रहा हूँ, लेकिन मेरा परिवार पूरा के पूरा मेरे साथ खड़ा हुआ और मैं उन सारी समस्याओं को इसके बदौलत पार किया। धन्यवाद दोस्तों, ये थी कहानी प्रताप नारायण जी की जुबानी। नेक्स्ट रविवार मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए शख्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।